हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उसराज चिले नए वीडियो के साथ आते हैं गोड़बंदर रोड थाने लोकेशन में। आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि 1 BHK रीसेल प्रॉपर्टी का, और आपको इस वीडियो में बताऊंगा 2 BHK का रीसेल प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको रीसेल प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी के जितने भी है सब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, उसके 4 साल पोजीशन, 5 साल पोजीशन, किसके 6 साल पोजीशन है, किसके 3 साल में तो पॉसिबल तो नहीं है, बट 4 से 5 साल तो जाएगा ही जाएगा। इट इज अ अंडर कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी। तो रीसेल प्रॉपर्टी ऐसा है कि आप तुरंत लेके रह भी सकते हैं एंड रेंटल बेसिस पे भी दे सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने 1 BHK का बताया था पूरा, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो वहां पे। एंड इसमें अभी मैं आपको 2 BHK बताता हूँ, 2 BHK कौन से प्रोजेक्ट में और कौन से कॉम्प्लेक्स में है यहाँ पे। तो 2 BHK देखा जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको बताया था गोडबंदर रोड, कासरडोली, ओला ये लोकेशन, आनंद नगर ये लोकेशन, ये सराउंडिंग में आपको 2 BHK का जो प्राइसिंग के साथ मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखा जाएंगे 2 BHK अपना है, एक है फियामा रेसिडेंसी करके है, ये एक्चुअली ओला और कासरडोली के बीच में आता है। यहाँ पे 72 लाख जाता है, फ्लैट कॉस्ट है प्लस टैक्सेस अलग से आ जाते हैं। यहाँ पे न्यू वेगस प्लाजा करके है, वो आपको 75 लाख जाता है, फ्लैट कॉस्ट है प्लस टैक्सेस अलग से आएंगे। श्री समरन करके है यहाँ पे, और ये भी 2 BHK है, 75 लाख है प्लस टैक्सेस आ जाता है। गिरी गुंज सोसाइटी करके है, 75 लाख है प्लस टैक्सेस आ जाता है। उन्नति ग्रीन्स है रौनक का, वहां पे 82 लाख है, फ्लैट कॉस्ट है प्लस टैक्सेस अलग से आ जाएंगे। पुरानिक सिटी फेस 2 90 लाख है पैकेज, मतलब 90 लाख में ऑल इंक्लूजेस आ जाएगा आपका। ओरिजन प्राइम करके है 2 BHK है, ये आपको 87 लाख है, फ्लैट कॉस्ट है प्लस टैक्सेस अलग से आ जाएंगे। ये स्क्वायर में भी है, 95 लाख है, फ्लैट कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो अलग से आ जाएगा। यहाँ पे विहंग वैली फेस 3 में है, 95 लाख है। ये मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, यहाँ पे देखा जाएंगे तो सिर्फ है ना फ्लैट कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी के टैक्सेस अलग आ जाएंगे। विहंग वैली फेस 3 जो है आपको 95 लाख है प्लस टैक्सेस अलग आ जाएंगे। पुरानी रूमा वाली करके है, यहाँ पे 95 लाख है प्लस टैक्सेस अलग से आ जाएंगे। लोधा स्प्लेंडरा में है 1 CR, 2 BHK प्रॉपर 2 BHK है, 1 CR प्लस टैक्सेस अलग से आ जाएंगे। सतगुरु सोलिटर में है 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ फ्लैट कॉस्ट है प्लस टैक्सेस अलग जाएंगे, क्योंकि ये सतगुरु सोलिटर एकदम नियर बाय मेट्रो के पास है, अपकमिंग मेट्रो आएगा वहां से कासरडोली का, वहां से नियर ही बाय है यहाँ पे। पुरानिक होम टाउन है 1.5 करोड़ है प्लस फ्लैट कॉस्ट है। एंड डेडिया इलाइट्स में है, वो 7 स्टोरेज का बिल्डिंग है एंड वो कासरडोली और ओला के बीच में आ जाता है, तो एक्चुअली वो कासरडोली में ही आता है। तो 1.5 करोड़ है फ्लैट कॉस्ट है यहाँ पे। गोदरेज एमराल्ड में है, जो आपको यहाँ पे बेंदरपाड़ा में आ जाता है, ये 1.40 करोड़ है फ्लैट कॉस्ट प्लस टैक्सेस अलग से देंगे। ये मैं आपको अभी फिलहाल जो मेरे पास इन्वेंटरी 2 BHK का आए हुए है ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अभी मैं रीसेल प्रॉपर्टी आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो पहले रीजन आपको मैं बताया कि आप तुरंत आके रह भी सकते हैं रीसेल प्रॉपर्टी में, और दूसरा है कि आप रेंटल बेसिस पे रख सकते हैं यहाँ पे। अभी रेंटल बेसिस बहुत डिमांड है गोडबंदर रोड पे, क्योंकि जितने भी जो ब्रोकर है, जो मेरे दोस्त लोग काम करते हैं, हम लोग की टीम पूरी एसोसिएशन काम करती है जो गोडबंदर रोड पे जो ब्रोकर के, तो यहाँ पे ना रेंटल है ना फ्लैट्स अवेलेबल बहुत कम हो गया है, रेंटल बेसिस है ही नहीं क्या यहीं पे। फर्स्ट थिंग रीजन में बता दो, रेंटल बेसिस क्यों नहीं है, क्योंकि जो TCS का है, TCS का यहाँ पे हीरानंदनी में जो अभी आई थिंक सो चालू किए हुए है और कुछ चालू करने वाले है, तो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज जो है आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ मुंबई के, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए जॉब मिले तो उनको रेंटल बेसिस पे बहुत लोगों को चाहिए। अभी करंटली ऑलमोस्ट अभी 2500 एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे, 2500 एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे जो उनको रेंटल पे चाहिए, रेंटल बेसिस पे चाहिए रहता है, जो कम से कम रेंट रहेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज यहाँ पे आएंगे TCS में आएंगे या फिर अदर्स कुछ IT सेक्टर रहेगा तो उसके अंदर वहां पे एम्प्लॉयज आएंगे,
तो वो लोग को उनको रेंटल बेसिस बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसीलिए कैसा है कि जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं वो अच्छी बात है, बट वो कैसा है कि आपको वेट एंड वॉच है, वो तो 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल भी पोजीशन मिल जाएगा आपको, बट ये अभी करंटली में रेंटल बेसिस पे आपके लिए बेस्ट है और रहने के लिए देख रहे तो तुरंत आपको रहना है तो आप आइए रीसेल प्रॉपर्टी में जाइए। 1 BHK 2 BHK उसमें अवेलेबल है। तो जो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं मेरे पार्टनर है गोडबंदर रोड थाने लोकेशन में, देखते हैं और उनको कॉल करिए, जो आपका बजट है वो बजट में बताइए और आप प्रॉपर्टी ले लीजिए। रेंटल बेसिस पे तुरंत डालना है, रेंटल बेसिस पे ले लीजिए एंड रहने के लिए देख रहे तो तुरंत आके आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और हाँ, यहाँ पे तो अभी फिलहाल कनेक्टिविटी तो बहुत लोगों को पता है, थाने गोडबंदर रोड बसेस है यहाँ पे, अपकमिंग में मेट्रो आएंगे यहाँ पे, भले थाना स्टेशन से लंबा है जो आनंद नगर कासोडली ओला 11 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है, वहां से डिस्टेंस लंबा है तो, बट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है जी। थोड़ा सा मॉर्निंग और इवनिंग को जो पीक आवर रहता है ऑफिस जाने का और ऑफिस से आना है तो मेट्रो का काम चालू है तो उसके वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो रही है, क्योंकि ऊपर से रेनी सीजन भी है तो थोड़ा बहुत होती है ट्रैफिक, क्योंकि मैं भी घोडबंदर रोड कासोरोडली रहता हूँ तो मतलब एक्सेस चालू रहता है, ऐसे नहीं कि गाड़ी रुकी है ट्रैफिक में फंस गए हैं, ऐसा नहीं, मतलब कंटिन्यूस स्लो चलती है बट ट्रैफिक निकल जाती है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल मेट्रो का काम चालू है, अपकमिंग मेट्रो आ जाएगा 2025 एंड तक मेट्रो का भी काम हो सकता है यहाँ पे, डेडलाइन दिया हुआ है इनको भी, तो वो भी एक अच्छा हो जाएगा आपको कनेक्टिविटी मेट्रो के लिए। और बाकी प्रॉपर्टीज रीसेल में लीजिए और रेंटल बेसिस पे डाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताया जो एम्प्लॉयज यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए आपको रेंटल अच्छा मिलेगा। अभी ऑलरेडी रेंटल बढ़ चुका हुआ है ये लोकेशन पे कासरोली गोडबंदर रोड एंड आनंद नगर, बहुत रेंटल्स का बेसिस बढ़ चुका हुआ है। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का कि रेंटल बेसिस पे ना लोगों को, जो हमारे टीम में काम करते हैं, जो एसोसिएशन में ब्रोकर जो है हमारे काम करते हैं, वो ज्यादा करके रेंटल बेसिस करते हैं, तो उन्होंने बताया कि रेंटल बेसिस बहुत बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो आप आइए स्क्रीन पर जो नंबर दे उस पर कॉल करिए साइड विजिट करो। बस इतना ये वीडियो में आपको बताना चाहता था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सपा में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, टेक केयर, बाय।